है बट एक अटैचमेंट है बिकॉज ये साउथ इंडस्ट्री और जो साउथ नाम का जो वर्ड है आज इससे तनिषा सिंह की पहचान है. तो मुझे यहाँ पे आने में जितनी खुशी हुई है ना आप बिलीव करोगे शायद मुझे अपने बर्थडे पार्टी में खुशी नहीं होती. इसलिए मैं आज अपने ओरिजिनल गेटअप पे आई हूँ जिससे तनिषा सिंह को जाना जाता है. कौन सी साउथ इंडियन डिश फेवरेट है और किसके साथ खाना चाहोगी स्पेशली? मुझे पोंगल बहुत पसंद है. मुझे आज भी याद है जब मैं चेन्नई में शूट करती हूँ तो सबसे पहले मेरे रूम में मेरा बॉय जो लाता है मुझे मेरे लिए पोंगल लेके आता है और उसके साथ मुझे स्पेशली पसंद है रसम. जो ये दोनों को जब मिक्स करके खाओ इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है. और अगर मुझे जैसे कुछ हैवी खाना नहीं है जैसे लंच होता है बिकॉज खाने के बाद डांस नहीं होता है थोड़ा हैवी हो जाती है बॉडी तो फिर मैं मोस्टली मैं रसम पीती हूँ लंच के समय. तो मुझे रसम मेरा फेवरेट है साउथ में सबसे ज़्यादा फेवरेट रसम है. अच्छा ये साउथ इंडियन फूड जो है वो किस राजनेता के साथ मतलब शेयर करना चाहेंगे आप जो आपका फेवरेट? बॉलीवुड हो हॉलीवुड हो टॉलीवुड हो या कोई भी वुड हो या कोई भी गुड हो मेरा वन एंड ओनली जो मेरा फेवरेट है और मेरा वैलेंटाइन है वो है राहुल गांधी जिनके साथ मैं कोई भी डिश हो सब डिश शेयर कर रहा हूँ चाहे वेदर वो इटालियन हो इंडियन हो या कोई भी हो या यूरोपियन हो. वेल चांस तो देखो सबको होना चाहिए. अगर हम साउथ में जाके अगर काम करते हैं तो उनको भी राइट्स है हमारे बॉलीवुड में काम करने का क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये दोनों इंडस्ट्री है जो हॉलीवुड के बाद ये दोनों ही बहुत अच्छे लेवल पे है बहुत अच्छे स्केल पे है. हॉलीवुड के बाद अगर किसी का नाम आता है वो बॉलीवुड का आता है टॉलीवुड का आता है. जब हमारे बॉलीवुड के इतने आर्टिस्ट वहाँ पर काम करते हैं तो उनको भी स्कोप होना चाहिए उनके लिए भी स्कोप होना चाहिए और उनको भी चांस मिलना चाहिए यहाँ पे अपने बॉलीवुड में. थैंक यू सो मच. दिवाली भी चाहिए अभी दिवाली का तो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली. अरे बस यार अभी होली के समय होली 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 अरे होली का बहुत स्पेशल प्रोग्राम है यार. अभी मैंने पीछा छोड़ने वाली आप लोग का ठीक है ना आप लोग को छोड़ने दूंगी तो होली के दिन